हो गया ना स्टार्ट, बटन दबा दिया। हाँ ये जो ट्रैक्टर है हमारा, ये 32 HP का ट्रैक्टर है, जो मेरे एक्चुअल में इसकी जो इंजन की HP आती है वो 35 HP कैटेगरी में आता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के ऊपर RC के ऊपर जो आपको लिख के आएगा ये 32 HP का ट्रैक्टर आएगा, ये जो मारुति इस पे लिखा हुआ है, जो नाम लिखा है उसमें एक्चुअली अपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर RC के ऊपर लिख के आता है। अब इस ट्रैक्टर के अंदर और अन्य ट्रैक्टर में क्या फर्क आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। ये जो ट्रैक्टर साहब, एक तो हमारा ये ट्रैक्टर काफी कार की मांग को मद्देनजर रखते हुए कंपनी की तरफ से जो 3 सिलेंडर इंजन, इसको 3 सिलेंडर पिस्टन होने के बावजूद इसको सेपरेट हेड गैस्केट दिया हुआ है, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई मेंटेनेंस आपको काम करना पड़ता है तो अगर एक जगह पे दिक्कत है तो आप एक को ओवरहॉल कर सकते हैं। अदर कंपनियों में क्या होता है कि अगर 2 सिलेंडर ट्रैक्टर तो दोनों हेड एक है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है तो तीनों हेड एक है, इसमें सेपरेट हेड गैस्केट दिया हुआ है, ठीक है साहब, जो कि आप अपना मेंटेनेंस खर्चा आपके लिए कम है। दूसरा क्या है कि सर इसको जो फ्रंट एक्सल दिया हुआ है ये सिंगल पीस मतलब सीधा फ्रंट एक्सल है, अदर कंपनियों में ऐसे वी शेप आता है, ठीक है सर, जिसमें क्या होता है कि वो ग्राउंड क्लीयरेंस कम हो जाता है और वो ऐसे टेढ़ा रहता है, आप कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं भी चलते हो, ये ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लीयरेंस जो है वो ज्यादा है। उसके बाद में क्या है कि सर इसको ड्राई एयर क्लीनर दिया हुआ है, ये जो एयर क्लीनर है इसमें ऑयल वगैरह डालने की जरूरत नहीं, ये ब्रिक से ब्रिक जो धूल होती है उसको भी पकड़ लेता है क्योंकि इसके अंदर डबल फिल्टर दिया हुआ है, ठीक है सर, खाली एयर मारना है ये साफ हो जाता है, जो कि आपका सर्विस के टाइम ऑयल का जो खर्चा है वो बचता है, ठीक है सर। उसके बाद में इसमें जैसे अपन ट्रैक्टर चलाते हैं क्लच पे पैर रख के चलाते हैं, अदर कंपनी में क्या होता है कि क्लच की सेटिंग करनी पड़ती है जब ट्रैक्टर की, तो उसको बीच में से 2 बार करना पड़ता है, आप इधर से आइए सर, इसको कंपनी की तरफ से ये सर सेपरेट विंडो प्लेट दिया हुआ है, अगर आपने क्लच की सेटिंग करना है तो ये बाहर के बाहर आप क्लच की सेटिंग कर सकते हैं, आपको हाँ ये बाहर के बाहर फिंगर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अदर कंपनी में बाहर से जो क्लच की सेटिंग होती है वो सिर्फ यहाँ से कर सकते हो, आप फिंगर को एडजस्टमेंट करने के लिए ट्रैक्टर 2 बार करना पड़ता है, अपने यहाँ पे मेंटेनेंस खर्चे को मद्देनजर रखते हुए आप इसको बाहर से बाहर ही इसका मेंटेनेंस खर्चा जो है जो भी काम करना है बाहर के बाहर कर सकते हैं। दूसरा इस ट्रैक्टर का क्या है सर, जो इंजन की CC है वो 2780 CC का इंजन है, जो कि ट्रैक्टर की इंजन जो CC होती है वो खासियत होती है इंजन की, उसी के ऊपर ही ताकत डिपेंड करती है, तो अपने इस ट्रैक्टर की जो इंजन की CC आती है, अदर कंपनी में 20-40 HP के ट्रैक्टर की भी वो CC नहीं होती, जो कि हमारी ये 3200 पावर का जो ट्रैक्टर है इसकी जो इंजन की CC आती है वो 2780 CC का इंजन है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप नागटी करते हैं या रोटावेटर करते हैं वो इजीली खींचता है क्योंकि इंजन के अंदर दम है, और इसमें जो फॉरवर्ड गियर है आगे रोड पे चलने वाले गियर है वो 4 गियर फॉरवर्ड है और 5वां गियर रिवर्स है। अदर कंपनी में जो ऑर्चर्ड लेवल पे जो ट्रैक्टर आते हैं उनको 3 गियर फॉरवर्ड आते हैं और 4था गियर जो है रिवर्स आता है, अपने इसमें बड़े ट्रैक्टर की तरह एक्स्ट्रा गियर दिया हुआ है, और इस ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक की कैपेसिटी है वो सर 1370 kg इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी है, जो कि आप भारी से भारी उजार लेके भी चल सकते हैं, या आप डंपिंग का काम करते हैं ट्रेलर लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर पटिया लगानी पड़ती है तो अगर हाइड्रोलिक के अंदर वजन उठाने की क्षमता है तो आप कैसे भी पटिया लगाएंगे, ट्रैक्टर ओवरलोड नहीं होगा, खिंचाई करने में सक्सेस रहेगा। और इस ट्रैक्टर को जो टायर साइज दिया हुआ है जैसा आप 12-4-24 का टायर साइज दिया है, इस बड़ा टायर साइज देने का बेनिफिट ये होता है कि आप नागटी पे चलाओ कहीं भी चलाओ गीले में चलाओ ये ट्रैक्टर कभी भी स्लिपेज नहीं मारता, बिल्कुल अपना ग्रिप बना के चलता है। इसको सर ये डंपिंग के लिए अलग से पाइप लगाने की गरज नहीं है, इसको कंपनी की तरफ से फिटेड डंपिंग के लिए पाइप आता है, अदर में आपको अलग से पाइप लगाना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि जो इसका जो हिच है ये एडजस्टेबल आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे आप मलनी यंत्र का काम करते हैं या दूसरा कोई भी काम करते हैं ट्रॉली का काम करते हैं तो आप अपने उजार के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है सर। एंकर चैन इसको मजबूत दिया हुआ है बाहर के साइड में है, जो नागटी पे ये बिल्कुल भी आपको प्ले नहीं देगा, ठीक है सर। और ये पावर स्टीयरिंग है ऑयल ब्रेक में है, अब इसमें सर ऑयल ब्रेक का ड्रम भी सेपरेट दिया है, अदर कंपनी में जो ब्रेक ड्रम आते हैं वो जो हब जो होती है हाउसिंग जो होता है इसी के अंदर ही ब्रेक का ड्रम आता है, उसको खोलने के लिए ब्रेक का काम करने के लिए एयर निकालने के लिए अदर कंपनी में पहले हाइड्रोलिक पेटी उठानी पड़ती है, टायर खोलना पड़ता है, एक्सल पूरा बाहर निकलने के बाद ब्रेक का काम होता है, इसमें सेपरेट ड्रम दिया हुआ है, अगर आपको ऑयल ब्रेक को एयर भी निकालना है या कुछ भी करना है तो आप बाहर के बाहर काम कर सकते हैं। और ये पहली कंपनी है साहब
जो अभी ये कोरोना की वजह से जो मंदी आई है, अभी अगर अपने कास्ट का जो ट्रैक्टर लेते हैं उसके लिए ये 5 ईयर की वारंटी जो है जो कंपनी की तरफ से दी जा रही है। बाकी जो प्राइस भी है वो बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, तो हमारे जो डीलर है वो आपको कंप्लीट बता देंगे सर। ठीक है सर। और ये पावर स्टीयरिंग भी 12 इंची का नागर होता है सर, आप इसको 12 इंची नागर चलता है, डबल पल्टी चला सकते हैं, सिंगल पल्टी चला सकते हैं। दूसरा इसको रोटावेटर चलाना है वो 30 ब्लेड का रोटावेटर चलता है जो ये पूरा इसमें बराबर बैठता है, इजीली चल सकता है। मणि यंत्र चलाना है 15 HP से 20 HP के बीच में मणि यंत्र चला सकते हैं, 15 KV का इसके ऊपर जेनसेट चलता है, 600 लीटर का इलेक्ट्रिकल कोई सा भी ब्लोअर चला सकते हो आप जो कि ट्रेलर के हिसाब से चलता है। और जो कल्टीवेटर है वो इसको 7 फन्नी का कल्टीवेटर चलता है, पौना ब्रास की ट्रॉली चलती है सब इसके डंपिंग। ठीक है, बाकी आप चला के देख सकते हैं, साउंड बिल्कुल हल्का साउंड दिया हुआ है, स्मूथ साउंड है। और ये इसको पावर स्टेयरिंग का सेपरेट जैक दिया हुआ है, बड़े ट्रैक्टर की तरह इसको सेपरेट जैक है। ठीक है साहब, इसका जो मेन कारण क्या होता है कि अगर पावर स्टेयरिंग में कोई दिक्कत आती है तो ये बाहर के बाहर आप काम कर सकते हैं। अदर कंपनी जैसे कुबोटा हो गया, दूसरे ट्रैक्टर हो गए, उनको पावर स्टेयरिंग का जैक नहीं मिलेगा आपको, वो कि स्टेयरिंग व्हील के अंदर ही रहता है, उसमें अगर हल्का भी प्रॉब्लम आए तो स्टेयरिंग व्हील पूरा चेंज करने के लिए 70,000 रुपया लगता है। एक साइड में है सर, एक साइड में रहता है, बड़े ट्रैक्टर को भी एक ही साइड में रहता है। और इसको सर डंपिंग ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे स्टैंडर्ड फिल्टर दिया है सर, मैग्नेट स्टैंडर्ड फिल्टर। इसका बेनिफिट क्या होता है सर कि जैसे अपन पीछे ट्रॉली चलाते हैं या कोई कचरे वाला तेल आता है, कुछ भी आता है, तो इसमें जो चुम्बक है वो गंदे तेल के अंदर जो कचरा रहता है वो जहां पे पकड़ लेती है, जो कि जो पंप है वो बिल्कुल सेफ रहता है, किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। और दूसरा इसका जो बुलेट है वो इस हिसाब से शेप है कि आप फ्रंट में जब बैठते हैं बिल्कुल नजदीक से आगे से आपको पूरा दिखाई देता है, आगे दूर में देखना पड़ता है, नजदीक से ही आप फिटाई कर सकते हैं। और फ्रंट एक्सल इसका सिंगल पीस है। इसका सर एवरेज जमीन के सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं आप हार्ड काम करोगे कुछ भी करोगे तो इसको 2.5 लीटर तक, 2.25 से 2.5 लीटर तक डीजल की एवरेज आती है। बाकी आप जिस हिसाब से जमीन आती है, खेती आती है, हार्ड रान है या सॉफ्ट रान है, उसके ऊपर थोड़ा 200-250 ml आगे पीछे एवरेज होता है, वो ड्राइवर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, कई विचार है सर लाजो नहीं कहे नहीं पंप चला सकते हैं, पंप जो कुएं से पानी चलाने वाला जो मतलब ये जैनसेट की बात कर रहे हैं ना, जनरेटर 15 KV का जैनसेट चला सकते हैं साहब, इसमें 5-5 की दो मोटर बैठ सकता है ना सर, इजीली बैठता है ना सर। ये पुली यहाँ पे क्या है सर, ये जो पुली है इसके जहाँ पे फिट होगा खाली पंप के नीचे शाफ्ट आता है, इसमें शाफ्ट लगा दो, आइडल स्पीड पे छोड़ दो, आराम से चलता है वो पंप, कहीं भी चला सकते हैं, कुएं से पानी उठाना कुछ भी करना। इसको पीटीओ दिया तो पीटीओ से रिलेटेड हर काम कर सकते हो आप। जो पंप है आपका इसके ऊपर 300 फीट तक इजीली चल सकता है सर, 300 फीट, क्योंकि आप डायरेक्टली पंप लगा रहे हैं ना, डायरेक्टली पंप आप कहीं से पी सकते हो। ठीक है सर। और अगर आप जेनसेट लगाते हो तो इसको 15 KV का जेनसेट है, जो कि आपकी 5-5 की दो मोटरें 7.5 की 5 की मोटर इजीली चलाता है। आप 10 HP की सिंगल मोटर चलाना चाहते हो इजीली चल रहे, 10 HP तक मोटर जेनसेट पे चलाता है इसके ऊपर। हाँ, आर्मेचर 15 KV का आर्मेचर इसके ऊपर कंपनी की तरफ से सुटेबल। फक्त आर्मेचर मोटी मोटर आर्मेचर थोड़ा इसका। और इसमें बीच में स्पेस है ना सर, बैठेंगे आप अदर ट्रैक्टर पे बैठेंगे, जैसे अभी आप यहाँ पे बैठ के देखो दूसरे ट्रैक्टरों पे बैठेंगे तो घूमने यहाँ पे टकराते हैं, इसमें बड़े ट्रैक्टर की तरह स्पेस है, बीच में जगह है। और इसका जो किलोमीटर स्पीड अभी ज्यादा है 540 इसके पीटीओ के RPM है, पीछे के जो चक्कर है। हेलो, कोटेशन दे लो बस ले ओए। हां अभी बंद कैसा हो गया सर, जरा बरगा जरा 25 रुपया में लकोटेशन।